इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि WhatsApp पर अगर हमें कभी डॉक्यूमेंट आता है, डॉक्यूमेंट में फ़ोटो होता है, JPG फ़ोटो होता है, तो उस सिचुएशन में वो गैलरी में शो नहीं करता है, तो हम उसे गैलरी में शो कैसे करा सकते हैं। देखिए, जो ये सिस्टम रहता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट आया, डॉक्यूमेंट को सेव करने का तरीका मैं यहाँ पर आपको बता दूँगा। सबसे पहले तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है डाउनलोड हो गया, आप इससे ये नहीं कि ये गैलरी में आ जाएगा, ठीक है। या तो इसे होल्ड प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करके, आपको यहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं आएगा, मैं आपको बताऊँगा कि किस जगह ऑप्शन आएगा। तो जब आप WhatsApp को यहाँ पर ओपन करेंगे, ठीक है, ये आप किसी के चैट में आएंगे, डाउनलोड कर लेंगे, फर्स्ट पॉइंट तो आपको यही करना है। उसके बाद WhatsApp को खोल लीजिए और व्यू फोटोज़ यहाँ पर अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो फोटोज़ एप्लीकेशन भी रहता है, तो उससे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा। तो देखिए, गैलरी में से आप जाते हैं, तो मैं MI का फ़ोन चला रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से डिटेल और इसके तरीके बराबर में सेव का ऑप्शन आएगा, तो फोटो सेव इट टू गैलरी, तो अब ये सेव हो गया। अब फोटो वाला जो सीन है, इस पर जाते हैं, इस पर से सेव करते हैं गैलरी में, तो शेयर पर जाते हैं। शेयर पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए, सेट एज प्रोफाइल, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे कहीं ना कहीं आपको फाइल दिखाई दे जाएगा। देखिए, ये फाइल गैलरी होगी, इसमें गैलरी भी देख लेते हैं कि अब तक गैलरी ना हो, तो गैलरी नहीं है, तो कॉपी टू यहाँ पर इस तरीके से उस फोल्डर में कॉपी कर लीजिए, जैसे कि 22 फोल्डर में। तो ये जो है अब दोनों ही सेव हो गए, तो अब ये दोनों ही गैलरी में दिख जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये खोलते हैं हम, ये खोल दिया हमने, और यहाँ पर एल्बम पर जाते हैं हम, तो ऑल फोटो में ये दोनों फ़ोटो दिख जाएंगे, ठीक है। तीन फ़ोटो हो गए, एक तो डॉक्यूमेंट वाला, ये डिटेल में देखेंगे ना, तो ये जो है आपको स्टोरेज में सेव हुआ दिखेगा, और ये जो दूसरा वाला है वो देखिए यहाँ पर जो फोल्डर में डाला था वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं, अगर आपका सेव नहीं हो रहा होगा तो इस तरीके से सेव हो जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।